नेताओं के लिए हर तरह की पब्लिसिटी अच्छी होती है। पॉजिटिव हो तो तारीफ मिल जाती है, नेगेटिव रहे तो न्यूज में आ जाते हैं। लेकिन एक चीज कॉमन रहती है, आप लाइमलाइट में बने रहते हैं, देश की पॉलिटिक्स आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस समय अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ दिल्ली मॉडल ने उन्हें तगड़ी पॉजिटिव पब्लिसिटी दी है, तो दूसरी तरफ शराब घोटाले ने नेगेटिव अंदाज में ही सही उन्हें न्यूज में बनाए रखा है। यानी कि हर एंगल से केजरीवाल की पॉपुलैरिटी पराकाष्ठा को छू रही है। ऐसे में बीजेपी का इस समय हर बार केजरीवाल को ही निशाने पर लेना कितना सही कितना गलत। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 24वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर न्यूज में बने हुए हैं। दिल्ली का जो शराब घोटाला है उसमें ईडी के सामने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। ये अलग बात है कि केजरीवाल ने उस समन को एक्सेप्ट नहीं किया, बट कहने की जरूरत नहीं, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं चरण सिंह। एंड फैक्ट ऑफ द मैटर, जब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे कद्दावर नेता गिरफ्तार हो चुके हो तो तुम किस खेत की मूली हो? ऐसा मैं नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी की ये जो चाहत है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए, ये बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। सिर्फ अपोजिशन के नेता हैं इस लिहाज से नहीं, बट इसलिए क्योंकि बीजेपी और पीएम मोदी को डायरेक्ट चैलेंज इस समय अरविंद केजरीवाल से मिल रहा है। इसे ऐसे समझिए, 2014 में हम सभी एक नई तरह की पॉलिटिक्स से इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। इट वॉज कॉल्ड द गुजरात मॉडल। इस मॉडल के साथ जुड़ा था मोदी का चेहरा, विकास का चोला एंड बड़ी मात्रा में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का तड़का। इसे एक विनिंग कॉम्बो माना गया। कांग्रेस के पास तो शायद आज भी इस कॉम्बो का कोई जवाब नहीं है। लेकिन कुछ साल पुरानी आम आदमी पार्टी ने छोटे स्केल पर ही सही अलग मॉडल तैयार कर लिया है। नाम आप जानते हैं, द दिल्ली मॉडल। बीजेपी बोलती रह गई, ये तो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, इकोनॉमी को बर्बाद करके रख दिया। बट जनता के एक वर्ग का दो टूक जवाब रहा, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अब भाई ये थोड़ा रूड लग रहा होगा, बट आप खुद सोचिए, बीजेपी की सरकार जो भी मेजोरिटी स्टेप्स उठाती है उनका कहना रहता है इसका लॉन्ग रन में असर देखेगा। ये तो कड़वी दवाई है, बाद में इलाज होगा। अब कब तक जनता ये नैरेटिव खरीदती रहेगी? उसका भी मन करता है मेरी लॉटरी लग जाए, ऑन द स्पॉट वाला बेनिफिट मिल जाए। अब ये काम अपने केजरीवाल जी ने करके दिखा दिया है। दिल्ली पंजाब में सस्ती बिजली दे दी, जगह जगह सस्ते मोहल्ला क्लिनिक लगा दिए। इसके ऊपर सरकारी स्कूल्स की कंडीशन भी सुधर गई है। लास्ट पॉइंट को आप परसेप्शन बेस कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के अपने दावे हैं। लेकिन बात तो वही है ना, एक मिडिल क्लास को क्या चाहिए? महंगाई से राहत और अपने बच्चों का सिक्योर्ड फ्यूचर। इस पेच पर अपने केजरीवाल साहब वीरेंद्र सहवाग की तरह खेल रहे हैं। वो तो बस ऐलान पर ऐलान करते जा रहे हैं। और बड़ी बात देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी ने भी दिल्ली मॉडल को पूरी शिद्दत से एक्सेप्ट कर लिया है। कांग्रेस जहां जा रही है, दो गारंटी हर बार दी जा रही है, बिजली बिल माफ एंड महिलाओं को अकाउंट में पैसे। अब कांग्रेस मानेगी नहीं, लेकिन दे आर इन्फ्लुएंस बाय दिल्ली मॉडल। और ये इन्फ्लुएंस ही बताने को काफी है कि केजरीवाल की पॉपुलैरिटी एंड एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। अरे अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। जरा इस बात को ध्यान से समझिए, पॉपुलैरिटी अरविंद केजरीवाल की बढ़ रही है, नॉट ऑफ आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने अपने दम पर ही एक नई पॉलिटिक्स को जन्म दिया है, उसे लगातार हवा दी जा रही है। उस पार्टी में जो होता है सब कुछ केजरीवाल के इर्द गिर्द। ऐसे में बीजेपी जानती है अगर केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, आम आदमी पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है। नाम जरूर गोपाल राय संजय सिंह जैसे नेताओं के चल रहे हैं, बट वो केजरीवाल के टक्कर के नहीं। अरे हम लोग यहां जग मार रहे हैं। शांत गुरुजी शांत, अब आपके नेता ने खुद को इतना बड़ा बना लिया है, इसमें हमारी क्या गलती? वैसे बीजेपी के नजरिए से तो केजरीवाल का आउट होना इज एवरीथिंग। ना सिर्फ कॉम्पिटिशन कम होगा बल्कि उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को जो इस समय चैलेंज मिल रहा है वो भी कुछ टाइम के लिए सही कम हो जाएगा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में बीजेपी एक बात मिस कर रही है, बल्कि कहना चाहिए बुरी तरह
इग्नोर कर रही है। अगर शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, क्या आम आदमी पार्टी हाथ पर हाथ रखे बैठी रहेगी? केजरीवाल की जैसी पर्सनैलिटी है, डेफिनेटली एक दाव चला जाएगा, द विक्टिम कार्ड। केजरीवाल ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर खड़ी की है, लगातार खुद को कट्टर ईमानदार बताया। इसी वजह से एक ऐसा लॉयल सपोर्ट बेस तो बन ही चुका है, जो कुछ भी हो जाए ये कभी नहीं मानेगा कि केजरीवाल इज करप्ट। अब आम आदमी पार्टी तो फुल ऑन इस इमोशन पर खेलने वाली है। एंड याद रखिए, अगर सही मायनों में सिंपैथी क्रिएट हो जाए तो बस वोट नहीं मिलते हैं, लहर चलती है, लहर। याद कर लीजिए, आफ्टर इंदिरा गांधी एसिनेशन कांग्रेस गॉट 400+ सीट्स, तो आम आदमी पार्टी भी ऐसा ही कुछ करना चाहती है। एंड बीजेपी वाले विल बी लाइक, मैं पागल हूं। अब आपको तो इस समय सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, बट एक बात तो उसने भी नजरअंदाज कर दी। केजरीवाल के खिलाफ इतना बड़ा नोटिस आ गया, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को साफ सुन चुका है, नो रिएक्शन, नो सपोर्ट। अब इसके दो मतलब हैं, या तो केजरीवाल अल्ट्रा पॉपुलर हो चुके हैं कि अपोजिशन के नेताओं को भी उनसे डर लगने लगा है, या फिर इंडिया गठबंधन में कोई भी केजरीवाल को उतना भावी नहीं दे रहा। दोनों ही सिचुएशन में इंडिया गठबंधन की सच्चाई पता चलती है। कागज पर सब साथ हैं, लेकिन राजनीति के टाइम एकला चलो नीति। आप बोलेंगे फिर मोदी का मुकाबला कैसे होगा? हम बोलेंगे धैर्य रखिए, शांति रखिए, अभी तो बहुत सारी शुद्ध देसी राजनीति होना बाकी है। नमस्कार।